अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो देखिए, सबसे पहले तो मशीन मैंने चालू कर दी हूँ। आज है जुम्मा का दिन, आप सभी को जुम्मा मुबारक। मशीन चालू है और ये यहाँ से अंडा हटने वाला नहीं है। मशीन को पकड़ के खड़ा रहेगा। ओए, उसको मत छू। यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अभी घर का कुछ ये वाला नक्शा है, थोड़ा बहुत मैंने साफ़ करी हूँ, झाड़ू लगा दी इसके खिलौने, फिर भी उसने निकाल के वहाँ से फेंक दिया है। खाना मेरा अभी बाकी है। इस रूम का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस ये मच्छरदानी की वजह से ऐसा लगता कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मच्छरदानी हम लोग नहीं हटाते हैं नमान की वजह से, आपको पता ही है। ये वाला रूम जो है बस मैं क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने अभी ये वाला बेड जो है वो क्लीन कर दी हूँ, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दी। इसके जो ये टेडी बियर्स है और इसकी ये मोटू पतलू, इन लोग की तो हालत ख़राब है, तो मैंने इन लोगों को ना पैक कर दी पॉलीथीन में। मैं सोचा खेलता तो है नहीं, तो ये दोनों को पैक करके यहाँ पर शिफ्ट कर दी। और यहाँ पर देखिए, मैंने नौमान के लिए ये वाला जुब्बा निकाल ली हूँ अभी पहनाने के लिए। मैंने सोची अब तो उसको पहनाना पड़ेगा, वरना फिर छोटा हो जाएगा, ऐसा ना हो। तो ये वाला जुब्बा है इसका, मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ओके, ये वाला जुब्बा है जो ईद पे उसने पहली बार पहना था। और ये इसके साथ में मैंने स्कार्फ निकाली हूँ उसका, देखेंगे मतलब थोड़ा फ़ोटो शूट करने की कोशिश करूँगी, अगर निकालने दिया तो ठीक है। तो ये वाला इसका ड्रेस है, अभी मेरा ड्रेस निकालती हूँ, फिर उसके बाद में हम दोनों नहा लेंगे, जब तक मशीन में जो है कपड़े धुल रहे हैं। तो देखो, बताती हूँ मैं, कहाँ गया लड़का, ये देखो, कुछ ना कुछ फितनेगिरी करता ही रहेगा, लेकिन हटेगा नहीं मेरे मशीन के पास से। वो बाहर आ जाओ। तो चलिए गाइस, अभी निकाल लेती हूँ मैं मेरा कपड़ा। सबसे पहले यहाँ मेरा आई मास्क रखा है, नहीं ये देखो, कबाड़ खुलते तो ये आ ही जाता, कहीं पे भी रहेगा ना, कबाड़ खुले और ये ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी मेरे कबाड़ की हालत थोड़ी हल्की फुल्की से मैश हो रखी है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मैं इसके चक्कर में निकालती हूँ और ऐसे घुसा देती हूँ। तो नीचे तो सब वो न्यू वाले ड्रेस है, यहाँ पर डेली यूज़ के है, यहाँ पर भी डेली यूज़ के है, वहाँ पर भी डेली यूज़ के, मतलब वहाँ डेली यूज़ के नहीं है, वहाँ पर मेरी नाइटी ज़्यादा है। मतलब देखो, ये वाला एक सेक्शन जो है पूरा दुपट्टा है, इसके अंदर पूरे प्लाजो है, यहाँ पर पूरी टी शर्ट है, और यहाँ पर पूरे ये वाले दो सेक्शन में पूरा ड्रेस है। फटाफट से कपड़ा निकालते हैं। और ये देखो, उसके कपड़े मैंने वहाँ से सूखे हुए अभी उस पर से निकाल के वहाँ रखी, तो वहाँ से कपड़े उठा के ला रहा है, मतलब कबाड़ में रखने के लिए। और अभी इसकी एक बात पता है आप लोगों को, कितना होशियार हो गया है, कौन सी चीज़ उठा के कबाड़ में कब ला के रख देता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है। मतलब जैसे कबाड़ खुलेगा ना, वो आके कब रख के चला जाता, मुझे पता नहीं चलता। तो इसकी वजह से ना इसका एक कांड हो गया, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। और अभी देखो, ये इसकी कोशिश में लगा है बराबर से अपने कपड़े यहाँ घुसाने के लिए। तो ये आ चुके हैं नमाज से, और अब इसको देखो कपड़ा पहनाई हूँ, लेकिन ये सर पे और कुछ ना टोपी रखने दे रहा है और ना इसको बांधने दे रहा है, तो फोटो तो कैसे ही लेंगे। ओए, तुरंत निकाल के फेंक देता है। नहीं, कौन सा वाला, इसके नीचे बोल रहे ना पकुन, वो तो सब कर दिया सर, इसमें कॉकरोच पता नहीं लग जा रहा है, उसका है ना लकड़ी का। 3 बज चुके हैं, ये अभी कुरान की पेटी सफाई कर रहे हैं, और मैं बना रही हूँ अभी खिचड़ी फटाफट से। मैंने सब ऐसी काट के डाल दी हूँ, टमाटर, कांदा, मिर्ची, नमक, हल्दी, एक आलू नौमान के लिए, और चावल को मैंने वॉश कर ली हूँ, बस इसमें चावल डालती हूँ, पानी डालती हूँ। देखिए, इसमें चावल ऐड कर चुकी हूँ मैंने, अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। और अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। डब्बे को देखो, टप यहाँ पर लेकर आ गया है, और बताती हूँ किचन की हालत भी देखो कैसे, सब उठा उठा के फेंकता रहता है, खाली रखने देता ही नहीं। नौमान,
अरे जुब्बे, बिस्किट कहाँ लगी है? इसमें से निकला है यहाँ से। ये मैंने नहीं, ये लोग कोई ना कोई आते हैं ना, नूरजा लोग, साजा लोग, फिर ढूंढते हैं। और ये भी एक फेंक दिया था सुबह में। हाँ रख दो, रख दो, वॉश करना। चलो भाई इसको फटाफट से ढक्कन लगाती हूँ, सीटी लगने रख देते हैं। देखो कैसे, हाँ क्या है रे जुब्बे छोटे, तो हम लोग का हर फ्राइडे के दिन यही हाल होता है। मतलब इनके नमाज के बाद ही सारा मतलब खाना वीना बनता है और हम लोग खाते 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 हम लोग को 4 बज जाते हैं। तो यही हर जुम्मे का है रूटीन। तो अभी है ना मैं बैठ गई थी थोड़ा सा सिलाई पर, क्योंकि नौमान को मैंने बहुत मुश्किलों से सुला दी थी। तो मैंने सोची ये वाला काम भी बहुत टाइम से पड़ा था सिर्फ नौमान को सुलाने की वजह से, क्योंकि मुझे मशीन पर बैठने ज़्यादा मिलता नहीं है। तो मैं यहाँ पर ना पर्दा रेडी कर रही हूँ। ये जो मेरे घर का जो पर्दा लगाई थी ना डोर पे बालकनी के, तो उसी पर्दे को मैं थोड़ा सा रीयूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे नीचे की तरफ में जो होता है ना, वहाँ पर मैंने इस तरीके की ये दुपट्टे की पट्टी लगा दी हूँ, ताकि इसके अंदर एक डोरी डाल के हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ डोरी लगा के पर्दे के शेप में बना सकें। तो इसको कहाँ लगाना है वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो ऊपर तो इसमें होल दिया हुआ था पाइप का, तो इसमें से एक डोरी डाल दूंगी और ये नीचे पाइपिंग जो बनाई हूँ उसमें से एक डोरी लगेगी। गाइस देखिए माशाल्लाह हम लोगों ने पर्दा यहाँ पर लगा दिए और ऊपर से ना इतना छोटा हो गया, नीचे से तो बराबर मस्त आ गया। और एक तो पता नहीं अभी किसके वहाँ ड्रिल का काम चालू है, तो बस वही आवाज़ आ रही है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लग रहा है देखने में ना, मतलब थोड़ा सा भी घर में कुछ चेंजेस करो ना बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं यहाँ से भी बताती हूँ, ये देखो अभी यहाँ अंदर किचन में से भी कितना अच्छा लग रहा है पर्दा। अभी मुझे इसमें थोड़ा और काम है गैलरी का, मतलब देखो वो मेरा है ना तोते का पिंजरा, जो मेरे पास पहले तोता हुआ करता था, तो उसका पिंजरा है, तो उसमें मैं बहुत सारी सामान रखती हूँ, मतलब यहाँ वॉशिंग वाला, ठीक है। तो उसको भी मुझे ना वहाँ पे ड्रिल करा के कहीं ऊपर सेट करना है, तो वो ड्रिल वाला अभी आ नहीं रहा है, पेंडिंग में काम पड़ा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी नौमान गोद में है, उतार देती हूँ बेटे को। अभी ये कितना अच्छा हो गया देखो, अभी ये ना ऊपर से, और मैंने जैसा कि नीचे से कर दिया इसको, तो हम लोग इसको अच्छे से ऐसा खोल सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। तो ये इजी हो गया अभी, है ना, जब मर्जी तब इसको हटा दो पर्दे जैसा, और कभी भी ऐसे कर दो। तो कितना अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका मैंने जुब्बा अभी चेंज कर दिया, पूरे घर में नाचा फिर रहा था। फिर हम लोग ये काम कर रहे थे ना, तो वहाँ पर सब धूल वूल थी, तो वो उसके ऊपर पूरे ब्लैक कलर का एक तो जुब्बा था, उस पर लग लग के पूरा जुब्बा गंदा हो गया। तो मैंने इसका चेंज करवा दिया। अभी देखो टाइम बज रहे हैं 8, और इसके अब्बू गए हैं मार्केट, पता नहीं बोल रहे चिकन या मच्छी कुछ भी लाएंगे, और थोड़ी बहुत सब्जी भी लानी थी तो वो भी लेकर आएंगे। फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ ये कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी थोड़ी चेंजेस घर में करते रहना चाहिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं नए से कुछ गैलरी में आ गई। आप लोग को शायद इतना समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं ना, बट अब यहाँ पर वो ब्लैक कलर का जो पूरा वो था ना अब बेडशीट, तो उसको तो हम लोगों ने सीधा फेंक दिए क्योंकि बहुत वो धूल में भरा हुआ था। तो अभी पूरा फाइनली ये पर्दा बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का वो पर्दा था जैसा कि आपको पता है मैंने धो वो के लगाई थी, तो अब यहाँ के लिए मैं कुछ नया ऑर्डर करने वाली हूँ। यहाँ का पर्दा हम लोग यहाँ का लुक चेंज करेंगे, वो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग आपसे आगे। तो गाइस देखो ये आ चुके हैं और ये लेकर आए हैं मच्छी, देखो मच्छी आ चुकी है और सब्जियां यार कुछ बोल रहे हैं कि मिली नहीं है। ये लाइट ऑन कर लेते हैं। टमाटर है, लहसुन है, और लहसुन पता है 400 रुपये किलो है। आदू लेकर आए हैं और आदू बता रहे थे कि 50 रुपये का 250 है। आलू है, परवर है, अच्छा बस एक ही सब्जी मिली। और मेन तो हरा धनिया था यार, अभी मसाला पीसने के लिए हरा धनिया नहीं मिला। चलो फटाफट से बनाते हैं खाना। तो जैसा कि गाइस देखिए रात में तो मैंने बिल्कुल छूट नहीं कर पाई थी, और ये बनी थी मच्छी जो रात में हम लोगों ने खा ली, इतनी सी बच गई थी। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं इसको निकाल के गर्म कर रही हूँ फ्रिज से। और ये रहा टकलू नौमान, कह रहे टकले बस अभी ये गर्म हो रहा है, अब खा लेंगे यही। देखिए फिर से आ चुकी है मिठाई नौमान के लिए, उस दिन नहीं खाया था। नौमान रुक जा, तो आइए फिर से मिठाई खोलो, ए लो निकालो निकालने।
निकाल रहा है ना वो। चल नोमान खोल रहा है, ठीक है, वो दे रहा है खोलने के लिए कि खोल के दो। हेलो, यहाँ से पैके खोलो। फिर से कलाकंद है और वाइट वाली कुछ है, सब मावे वाली ही है। ये देखो, देखते अभी उठा के खाएगा कि नहीं। नोमान चल खा, तुम खाओ उसको पता चलेगा ना, अभी तो नाटक करना चालू कर दिया। हाँ हाँ, डाल दिया मुंह में पहले ही, और गर्मी देख रहे हो उसको। तो बर्फी है, बर्फी बोलेगे तो मावा ही है ना। ए भाई, ए भाई, ए ए, ए खराब मत कर, सॉरी खराब मत कर, ठीक है। चलो मिठाई खाते हैं। तो गाइज़, रात का खाना हो चुका था और हम लोग है ना थोड़ा सा बाहर निकले थे नौमान को घुमाने के लिए। तो ये एक सिर्फ दुकान अभी 11:30 बजे खुली हुई दिखी थी, मतलब ये बेकरी है ना, केक की और मिठाई वगैरह सब कुछ यहाँ पर वैसे मिलता है, ज़्यादा करके ऑर्डर पे केक वगैरह बनते हैं, बर्थडे का सारा कुछ, सेलिब्रेशन का जितना सब होता है ना, सब यहाँ पर होता है। तो ये एक ही शॉप हम लोग को खुली थी कि हम लोग सोचे चलो देखते हैं, और नया भी है कुछ, देख लेते ट्राई करके। तो यहाँ पर देखे तो बहुत कुछ था वैसे, तो हमने सोचे कुछ थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, खा के टेस्ट का पता चलेगा क्या है। और अच्छा, ये वाली जो क्लिप है और इससे पहले जो मैंने मिठाई का बताई ना, वो क्लिप, ये दोनों है ना, इसको टकला करने से पहले के है, जो मेरे फ़ोन में मैंने रिकॉर्ड करके सिर्फ रखी थी, और हम लोग है ना मतलब मैंने इसको फिर ऐड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोची अभी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए, ये सारे इतने तरीके के, मतलब बहुत अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन वगैरह भी इनके पास बहुत अच्छे थे। अगर जिस भी तरीके का ऑर्डर चाहिए ना आप लोगों को, तो आप लोग ऑर्डर पे यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा वैसे, और बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्राई करके और थोड़ा सा लेके पेस्ट्री, फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। होप कि ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा छोटा सा ब्लॉग है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।